आपके हर ख्वाब हर काम के लिए हमेशा पैसा पूरा हो ये तो असंभव है, लेकिन हाँ अगर गोल्स को आप ठीक से प्लान करें, उस हिसाब से बचत करें, पैसे को डूबने ना दें तो ये संभव है और आप ये सब कर सकें, इसीलिए प्रियंका संभव है। तो बिना कार खरीदे ही कैसे बने कार के मालिक? कार यानी मोटा खर्चा, डाउन पेमेंट, कार लोन की किस्त, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, रेगुलर सर्विसिंग, रख रखाव, लिस्ट लंबी चौड़ी है और ये सारे तामझाम एक ऐसे सामान के लिए जिसकी वैल्यू समय के साथ घटती जाती है। तो डिप्रिशिएट होने वाले इस सामान पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे? वैसे कारों की गिरती सेल्स हमें बता रही है कि कार जैसे बिग टिकट एक्सपेंडिचर को इंडियन कंज्यूमर अभी होल्ड कर रहा है, इसलिए मोटे खर्चे का तोड़ अब कार कंपनियां ही लेकर आई हैं। कार आपकी, लेकिन उसकी सर्विसिंग से लेकर उसकी देखभाल पराई। पराई से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये कोई कंपनी ओन्ड कार होगी या आपके पड़ोसी इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे, बल्कि कार कंपनी उठाएगी ये सारी जिम्मेदारी, कार की रख रखाव से लेकर सर्विसिंग तक का। आप कार कंपनियों से किराए पर ले सकते हैं ब्रांड न्यू कार, जिसे कहते हैं लीजिंग। तो क्या होती है कार लीजिंग? अपनी पसंद की कार को बिना खरीदे ही आप बना सकते हैं अपनी। कार आपकी रहेगी लेकिन अपनी बनाने की जरूरत नहीं। कार को इस्तेमाल करने के लिए आपको मिलेगी पूरी आजादी, 24 घंटे सातों दिन कार आपके पास रहेगी, आपके पार्किंग में ही खड़ी रहेगी। हर 3 महीने में रेगुलर सर्विसिंग भी कार कंपनी करवा कर देगी और जस्ट इन केस कार का एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के अलावा कार की रिपेयरिंग में आपको पड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये जिम्मेदारी होगी उसकी जिससे आपने कार लीज पर ली है। हर महीने आप लीजिंग कंपनी को एक रेंट जरूर अदा करेंगे जिसमें कार और कार के साथ मिलने वाली हर वो सुविधा, सर्विसिंग, इंश्योरेंस, ये सब शामिल होगी। तो कैसे मिलती है कार लीज पर? ठीक जैसे आप घर लेते हैं ना रेंट पर, उसी तरह हर महीने आपको रेंट अदा करना होगा। कार की एक मंथली लीज अमाउंट फिक्स की जाएगी। आप कार की कीमत नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने की कीमत अदा करेंगे कार कंपनी को। मंथली रेंट तय की जाएगी कार के मॉडल, माइलेज और लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट के ड्यूरेशन पर। साथ ही में आप कितनी एडिशनल सर्विसेज के लिए कंपनी से टाई अप करते हैं। कार के साइज के मुताबिक 18,000 से 50,000 तक की मंथली लीज रेंटल पर कार आपको मिल जाएगी। आपको किसी भी तरह का डाउन पेमेंट नहीं करना होगा, लेकिन हाँ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनियां आपसे जरूर लेंगी। कार कंपनियां लीजिंग प्लान में किलोमीटर लिमिट डालती हैं, तो इसका ख्याल रखिए। अगर निर्धारित किलोमीटर से कार ज्यादा चलेगी तो उतनी एडिशनल पेमेंट आपको करनी पड़ेगी और ये तब जब आपका लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा होगा तब चेक किया जाएगा। अब समझते हैं कि कितना खर्चा आपकी जेब पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए हुंडई की ग्रैंड i10 को मैंने सिलेक्ट किया है। इस कार को खरीदने और इसे लीज पर लेने में कितना फर्क है? मान लीजिए आप हुंडई ग्रैंड i10 को लीज पर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए इसके 1.2 एरा वेरिएंट को मैंने सिलेक्ट किया है। अब इस कार को अगर आप हुंडई के आधिकारिक वेबसाइट से लीज पर लेते हैं तो 36 महीने यानी कि 3 साल की लीज के लिए हर महीने आपको लगभग 18,513 रुपए देने पड़ेंगे और इसमें शामिल है 17,246 रुपए कार की लीज और 1,267 रुपए की कार की मेंटेनेंस का खर्चा। इस हिसाब से आप इस ग्रैंड i10 पर 3 साल में खर्च करते हैं 18,513 मल्टीप्लाइड बाई 36 3 साल 6,66,468 रुपए। अब बात करते हैं इस कार को अगर आप लोन पर खरीदेंगे तो किस तरह की कॉस्टिंग बैठेगी आपके लिए। हुंडई एरा 1.2 की नोएडा में कीमत है लगभग 6.5 लाख 5,75,000 रुपए। मान लीजिए आपने इसके लिए 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी पर आप लेंगे लोन 5.5 लाख रुपए पर। औसत ब्याज 9.5% के लगाकर मासिक EMI आप पर बैठेगी 15,200 रुपए के आसपास। इस हिसाब से आप 3 साल में कुल मिलाकर 5,47,200 रुपए अदा करेंगे।
ऐसे में डाउन पेमेंट जोड़कर कुल मिलाकर आपका खर्चा बैठेगा 6,47,200 रुपए, जो लीज की रकम से लगभग 20,000 रुपए कम है। लेकिन इस स्ट्रेट कैलकुलेशन के अलावा अपनी कार पर आप और भी खर्चे तो कर रहे होंगे। भूलिए मत, आपको कार की रखरखाव के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट देना होगा। अब 3 साल का इंश्योरेंस कार की खरीद के साथ लेना पड़ता है, और कार है तो फ्यूल के खर्चे को कैसे भूल सकते हैं। तो ऐसे में अभी तक की कैलकुलेशन के हिसाब से लीज की रकम खरीद से कम तो जरूर बैठ रही है, लेकिन जब खरीदेंगे तो भी एडिशनल कॉस्ट को भी काउंटर इन जरूर कीजिएगा। लेकिन एक और सबसे बड़ा अंतर लीज और खरीद में जो होता है वो है कार की मिल्कियत। 3 साल तक लीज की रकम देने के बावजूद कार आपकी नहीं होती, वही लोन के खत्म होने पर खरीदी कार आपके नाम पर हो जाती है। अब यहाँ पर एक और बड़ा अंतर भी आता है। यूज्ड यानी सेकेंड हैंड कार बेचने वाली कई वेबसाइट्स को देखें तो आप 3 से 4 साल पुरानी ग्रैंड आई-10 को 4 से 5.5 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। हालांकि ये कीमत कार की हालत पर भी निर्भर करता है, लेकिन ये तो तय है कि 3 साल के बाद अगर आप कार बेचते हैं तो आपकी कुछ तो वसूली हो ही जाएगी। चलिए अब बताते हैं कि कौन सी कार कंपनियां हैं जो आपको कार लीज पर दे रही हैं। बेशक ये ट्रेंड भारत में अभी जोर पकड़ रहा है, लेकिन नया नहीं है। अभी तक निजी और सरकारी संस्थान अपने सीनियर मैनेजमेंट के लिए या ऑफिस के काम के लिए कॉर्पोरेट हायरिंग करते थे, कॉर्पोरेट लीजिंग भी इसे कहा जा सकता है। लेकिन अब हम और आप जैसे इंडिविजुअल यूजर्स भी हायर कर सकते हैं, लीज पर कार ले सकते हैं। कई कार रेंट कंपनियां सब्सक्रिप्शन मॉडल पर भी कार देती हैं, जिसमें छोटे समय के लिए आप कार रेंट पर लेते हैं और फिर वापस कर देते हैं। लेकिन लीजिंग इससे अलग है। लीजिंग में कंपनियां लंबे समय के लिए आपको कार रखने का मौका देती हैं, और लंबे समय से मेरा मतलब है 3 से 5 साल के लिए कार लीज पर मिलती है। Hyundai Santro Grand i10 से लेकर अपनी पॉपुलर SUV क्रेटा को लीज पर दे रही है। होंडा की तरफ से होंडा CRV, होंडा सिटी, होंडा सिविक पर लीजिंग ऑप्शन आपको मिल जाएगा। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा और स्कोडा भी अपने कुछ मॉडल्स पर लीजिंग की सुविधा लेकर आई है। कार लीज पर लेना चाहते हैं तो इस पेपर वर्क को तैयार रखें। आपको KYC पूरा करना होगा, पैन कार्ड जरूरी है, इसके अलावा पहचान के लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड या वोटर ID में से एक डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको देनी ही होगी। रेसिडेंस प्रूफ के लिए घर से जुड़ा एक बिल या बैंक स्टेटमेंट, ये भी आपसे डिमांड किया जाएगा और ये सबमिट करना अनिवार्य है। कार लीजिंग के फायदे, आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं करना है, तो बिना एक मोटी रकम के इंतजाम के भी आप अपनी ड्रीम कार का सपना पूरा कर सकते हैं। हासल फ्री ओनरशिप, मेंटेनेंस और सर्विसिंग का तामझाम आपके सिर पर नहीं होगा। कार की घटती रीसेल वैल्यू की फिक्र यानी डिप्रिसिएशन आपका सिर दर्द नहीं है, क्योंकि लीज का टाइम खत्म होते ही कार वापस कंपनी के पास चली जाएगी। नई कार खरीद पर लगने वाला सरकारी टैक्स भी आप बचा रहे होंगे। 18 से 28% के GST प्लस 15 से 22% के सेस को भी मत भूलिएगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए, 5 साल तक लगातार हर महीने कार की रेंट चुकाने के बाद भी कार आपकी नहीं होगी। कार लीज पर देने वाली कंपनी किलोमीटर की एक फिक्स्ड लिमिट तय रखती है, और जब आप कार को 5 साल बाद लौटाते हैं तो चेक किया जाएगा कि कहीं आपने किलोमीटर्स की इस लिमिट को क्रॉस तो नहीं किया है, और अगर क्रॉस किया है तो एक्स्ट्रा पेमेंट देने के लिए तैयार रहिए। कंपनियां कार को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेती है, इसलिए इंश्योरेंस लीज की कार में महंगा होता है। अपने पसंद के बदलाव आप कार में नहीं कर पाएंगे, जैसी कार मिलेगी वैसे ही आपको यूज करनी है। मॉडिफिकेशन इज अ बिग नो। तो इन सब प्रोस एंड कॉन्स के बाद आप इस सवाल का जवाब बेहतर दे पाएंगे कि आपकी अगली कार जो है वो लीज पर आएगी या आप खरीदने वाले हैं। तो प्रैक्टिकलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के पैमाने पर दोनों ऑप्शन को टेस्ट करें। 5 साल तक कार से जुड़े खर्चे देने के बाद आप कार को अपना कहने की चाहत अगर रखते हैं तो कार खरीद लीजिए, कार लीजिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपकी नौकरी ऐसी है जहां हर 2-3 साल में आप शहर बदलते हैं, लोकेशन बदलते हैं, और आपके लिए कार का मतलब है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना,
तो कार लीजिंग आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। और साथ ही में अगर आपको ये भी शौक है कि गाड़ी को मॉडिफाई किया जाए अपनी तरह से, तब भी लीजिंग आपके लिए नहीं है, आपके लिए तब कार खरीदना ही बेहतर होगा। रोजाना की ड्राइव बहुत ज्यादा ना हो तो सस्ते और आसान रखरखाव के लिए लीज की कार लेना बेहतर विकल्प हो सकता है, खास तौर पर उन यंग मिलेनियल्स के लिए जो सुविधाएं तो चाहते हैं लेकिन लायबिलिटी नहीं। तो क्या सोचा है आपने, आप कार खरीदने वाले हैं या लीज पर लेंगे अपनी अगली कार? खैर जो भी करें, अगर आपको मेरी इस वीडियो से मदद मिल रही है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स भी भेजिए। अगर आपके कुछ सवालों का जवाब हम नहीं दे पाए हैं तो वो देने की कोशिश करेंगे। क्विंट हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के फायदे वाले बात वाले वीडियो आपसे कभी ना मिस हो, क्योंकि पैसा है तो संभव है और पैसा बचाने के लिए आपको हमें देखना जरूरी है।